बोले नहीं बॉम्ब के बारे में ना, ये क्या करना उधर ही बोल दीजिए, ऐसे कुछ है नहीं, कोई रिस्क तो है नहीं इसमें, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं बॉम्ब बॉम्ब ऐसा नहीं है। कैसे आवाज करे, आवाज जो है वो करता है, जैसे कोई अगर टाइम बॉम्ब किसी ने लगाया हुआ है, आईडी लगाई हुई किसी बंदे ने हाथों से लगाई हुई, तो आवाज करती है। ऐसा एमिनेशन कोई नहीं जैसे आवाज करे, वो तो सीधा फटेगा या फिर पड़ा रहेगा बस। अगर उसको नहीं छेड़े तो नहीं फटेगा ना, अगर आपको दिखता है तो सीधा इन्फॉर्म करना है पुलिस को, पुलिस हमें बताएगी हम आएंगे। वही तो पब्लिक को कहना है ना, पब्लिक माइंड कभी भी ऐसे पैनिक हो रहा है ना, आर्म करना पड़ता है, कभी फटती है वो, डेट लगता है उसमें, अगर ऐसे सेट में रखे ना तो वो डेट लगा हुआ नहीं रहता, वो ऐसे ही रहता है, जो लंबा लंबा होता है ना वो तो मोटा राउंड है, माइंड होती है, माइंड ही होती है, कोई दिक्कत नहीं, कंप्रेस करने से फट जाएगा, उसमें डेट नहीं लगाया तो नहीं फटेगा, डेट लगा के नहीं रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको भाई दिखता है ना, कुछ एमिनेशन ऐसे हैं जिनके साथ फ्यूज अटैच है, हाँ जी, तो उनका फटने का चांस है, तो अगर कोई दिक्कत है सीधा आप इन्फॉर्म करिए पुलिस को, करिए पुलिस हमें करेगी, सीधा हम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, देख लिया चेक करके देख रखा है। ओके थैंक यू जी। अभी सर जी बता रहा था अगर वो बॉम्ब मिला ही है तो उसको मत छेड़ना, और सीधे पुलिस को कॉल करने से वो लोग आ जाएगा। सो गाइस देयर इज नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग बॉम्ब। दिन मान्दैन हो त अहिले चाहिँ, यहाँ चाहिँ आर्मी अफिसरले चाहिँ हाम्रो यो मामरिङको मुनि चाहिँ बम भेटाएको छ एउटा, हो त्यो चाहिँ लिएर चाहिँ हाम्रो आर्मी अफिसरहरू चाहिँ आउनुहुँदैछ हो। अन्त यो बमको कुरा चाहिँ अघि आर्मी अफिसरले भन्नुभएको थियो, जुन चाहिँ आफूले छुएन केही चलाएन रहेछ भने चाहिँ बम चाहिँ फाटिन्छ, फाट्दैन हो, अब छुएर चलाएर केही गरेछ भने मात्रै पड्किन्छ। यो तपाईँको मोटा राउन्ड रहेछ, त्यो त मोटारको राउन्ड होइन,